नमस्कार, मैं बुशरा और आप देख रहे हैं दी घंटा। बुलेटिन में नजर डालेंगे बंगाल की बड़ी खबरों पर। बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रिक्शा चालक के आवास पर बुधवार को दोपहर का भोजन किया, जो भाजपा समर्थक भी है। अमित शाह के साथ इस निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी के उम्मीदवार राजीव बनर्जी भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान कहा कि 2 मई के दिन बंगाल को टीएमसी सरकार से मुक्ति मिलेगी। टीएमसी के गुंडे को कानून के सिकंजे में कसा जाएगा। ये तय है कि अपराधियों को कम्युनिस्ट टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे, लेकिन कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से भी निकाल कर जेल के अंदर भेजने का काम करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन की हावड़ा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मुजफ्फर चौक में हो रही सभा में अचानक उस वक्त हंगामा मच गया जब सभा में उमड़ी भारी भीड़ के ऊपर कुछ पत्थर फेंके गए। शहनवाज हुसैन ने सभा के दौरान मंच से ही ऐसे कुछ रोड़े दिखाए और कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपनी हार तय देख कर बौखला गए हैं, इस वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का तूफानी प्रचार मंगलवार को भी जारी रहा। दरअसल शेखावत ने भवानीपुर से भाजपा प्रत्याशी रुद्रनील घोष, जोड़ा शांको से भाजपा प्रत्याशी मीना देवी पुरोहित और कासबा से प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रनील खान की नामांकन रैली में हिस्सा लिया तथा तीनों का नामांकन पत्र भी भरवाए। बंगाल में विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण भी संपन्न हो गया, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। चुनाव आयोग की ओर से हिंसा रोकने के लिए अब तक जो भी इंतजाम किए गए हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि आम लोग अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर काफी सजग दिख रहे हैं और धमकी, हमले और अशांति के बावजूद भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए दी घंटा। हमारे दी घंटा चैनल को फेसबुक फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारा चैनल इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।